हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे और आप सभी के अपने चैनल मनी साइकोलॉजी में। फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग लर्न अबाउट व्हाट इज स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, आप सभी ने स्टॉक मार्केट का नाम ज़रूर सुना होगा, तो आज हम जानेंगे कि स्टॉक मार्केट एक्चुअली क्या है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा स्टॉक मार्केट के ऊपर फ्रेंड्स कि स्टॉक मार्केट सट्टा है और ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। बट फ्रेंड्स, मैं आपको इस सीरीज़ में बताऊंगी कि एक्चुअल में स्टॉक मार्केट क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको प्लीज़ ज़रूर ध्यान से देखें और आपको इसमें ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट के बेनिफिट्स क्या हैं एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट क्या होता है और इसके पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं, स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेंट्स कौन करता है, कैसे होता है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल मनी साइकोलॉजी को ज़रूर से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहें। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, तो आप प्लीज़ जो आपने पहले सुना होगा उसको आप थोड़ा सा अपने माइंड से हटा लें और जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसको आप ध्यान से सुनें। सो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लेकर आई हूँ। ऑफिशियल डेफिनेशन है द स्टॉक मार्केट की, तो द स्टॉक मार्केट इज़ वेयर इन्वेस्टर कनेक्ट टू बाय एंड सेल इन्वेस्टमेंट मोस्ट कॉमनली स्टॉक विच आर शेयर्स ऑफ ओनरशिप इन अ पब्लिक कंपनी। फ्रेंड्स, तो स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे इन्वेस्टर्स लाइक मी यू और बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं लाइक BII, FIIs, फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, आपने ज़रूर सुना होगा, तो वो जो बाई करते हैं एंड सेल करते हैं हम क्या बोलते हैं स्टॉक मार्केट। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको एक बेसिक पता लग गया। ठीक है फ्रेंड्स कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। अब इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन करता है, पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है स्टॉक मार्केट के। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया, जैसे मैं और आप और जो FIIs DIIs हैं वो जो बॉन्ड्स में, शेयर्स में, डेरिवेटिव्स में जो सेल एंड बाई करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं फ्रेंड्स, वो होते हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स। इसमें जिसके थ्रू होता है ट्रेडिंग लाइक एक्सचेंज, ब्रोकर्स, तो ये सभी हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्राइमरी मार्केट। फ्रेंड्स, प्राइमरी मार्केट क्या होता है कि जब सबसे पहले कंपनी अपने शेयर को मार्केट में लेकर आती, इशू करती है कि आप मेरे शेयर को बाय करो और सेल करो, बाय करो फ्रेंड्स, नॉट सेल, इट्स बाय, राइट। तो ये कैसे होता है फ्रेंड्स, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास ABC नाम की कोई कंपनी है, ठीक है, मेरे पास कंपनी है ABC नाम की, ठीक है फ्रेंड्स, और उसकी वैल्यू कितनी है, 100 करोड़। 100 करोड़ उसकी वैल्यू, मैं काफ़ी टाइम से अपना बिजनेस कर रही हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। अब मेरे को ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है कंपनी को ग्रोथ करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है फ्रेंड्स। तो हम क्या करेंगे, अब मैं पैसे कहाँ से लेकर आऊँगी, रिसोर्सेस कहाँ से लेकर आऊँगी फ्रेंड्स, तो मैं क्या करूँगी, अपने जो कंपनी की हिस्सेदारी है, ठीक है फ्रेंड्स, जो मेरी कंपनी की हिस्सेदारी है उसको मैं क्या करूँगी, मार्केट में IPO के थ्रू, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू, ठीक है फ्रेंड्स। सपोज मेरे पास 100 करोड़ का मैं शेयर लेकर आई मार्केट में, 10 की फेस वैल्यू में फ्रेंड्स। अब ये फेस वैल्यू क्या होता है, हम आगे आने वाली सीरीज़ में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि फेस वैल्यू क्या होता है, आप बस अभी समझ लें। तो फ्रेंड्स, तो मैंने 100 की फेस वैल्यू में अपने शेयर्स को मार्केट में निकाला, IPO के थ्रू मैंने ऑफ़र किया पब्लिक को कि आप मेरे शेयर को बाय करो। तो इससे क्या होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू मेरे शेयर्स क्या हो जाएंगे, बाय हो जाएंगे और मेरे को क्या मिल जाएगा, पैसा,
और जो पब्लिक है उसको क्या मिलेगा, मेरी कंपनी की हिस्सेदारी मिल जाएगी फ्रेंड्स। तो ये होता है आपका प्राइमरी मार्केट, जिसमें आप आईपीओ के थ्रू कोई कंपनी अपने शेयर को बेचने के लिए लेकर आती है मार्केट में। तो फ्रेंड्स ये हमारा सबसे पहला होता है स्टेप, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी मार्केट। सो फ्रेंड्स जब कंपनी अपना जो शेयर है वो मार्केट में लेकर आती है, लिस्ट हो जाती है उसकी कंपनी, तो वो सेकेंडरी मार्केट के लिए, सेकेंडरी मार्केट में हमेशा के लिए होती है, जिसमें पब्लिक कंपनी के शेयर को बाय एंड सेल कर सकता है। सो फ्रेंड्स इसका एक टाइमिंग होता है, मार्केट का एक टाइमिंग है 9:30 AM टू 3:30, सॉरी 9:15, सॉरी फ्रेंड्स 9:15 AM टू 3:30 PM। ओके फ्रेंड्स, तो इसके बीच में आप कंपनी के शेयर को कभी भी बाय एंड सेल कर सकते हो। तो ये हमारा एक बेसिक सेकेंडरी मार्केट है, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये हम बाय एंड सेल कैसे करेंगे वो मैं आगे आपको ज़रूर बताऊंगी फ्रेंड्स, तो ये आप बस एक बेसिक समझ लो। सो फ्रेंड्स अब हमने जान लिया कि कैसे क्या होता है, पब्लिक जो कंपनी है अपना शेयर लेकर आती है, लेकिन फ्रेंड्स इसके बीच में कौन कौन आते हैं, हम कैसे बाय एंड सेल किसके थ्रू करते हैं, कहाँ पे लिस्ट होती है कंपनी। सो फ्रेंड्स जो कंपनी लिस्ट होती है वो होती है आपकी BSE एंड NSE में होती है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, एंड BSE आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पे हमारी कंपनी लिस्ट होती है और यहाँ से हम बाय एंड सेल करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मेजर एक इंडाइसेस है आपका सेंसेक्स एंड निफ्टी, इसमें सारे जो शेयर हैं वो लिस्टेड होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन हम यहाँ से डायरेक्ट सेल एंड परचेज या सेल बाय कुछ भी नहीं कर सकते डायरेक्ट, हमें चाहिए होता है कौन, ब्रोकर, ब्रोकरेजेस चाहिए होता है हमें, कि इसके थ्रू, ब्रोकरेजेस कौन होता है, इसके थ्रू हम बाय एंड सेल करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आपने बहुत सारे डीमैट अकाउंट के आजकल नाम सुने होंगे, आपके पास शायद कॉल भी आए होंगे फ्रेंड्स। तो जैसे ज़ेरोधा है, अपस्टॉक्स है, एलएस ब्लू है, ICICI है, बहुत सारे जो बैंक्स हैं वो भी डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो डीमैट अकाउंट के अगर ऊपर आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए हो तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखिए येस, जितने ज़्यादा यस होंगे तो मैं इसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी डीमैट अकाउंट के ऊपर फ्रेंड्स। तो आपने समझ लिया स्टॉक ब्रोकर क्या होता है फ्रेंड्स, तो मैंने एक बेसिक बताया आपको, ठीक है फ्रेंड्स। एक बार मैं आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ कि जैसे जो प्राइमरी मार्केट है, प्राइमरी मार्केट में हमारी कंपनी लिस्ट होती है आईपीओ के थ्रू, आईपीओ से शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं टू बाय, एंड ये सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट हो जाता है, यहाँ से कभी भी जो पब्लिक है वो सेकेंडरी मार्केट में बाय एंड सेल कर सकती है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये रहा आपका बायर, ये ब्रोकर के पास गया, एक्सचेंज के पास गया, ठीक है। यहाँ से आपका जो ऑर्डर है एग्जीक्यूट होता है, ऐसे ही सेल का ब्रोकर के पास गया, एंड ये ब्रोकर एक्सचेंज के पास भेज देता है, यहाँ से आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये एक है इसका, तो आप इसका ध्यान रखें प्लीज़। तो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट हमारी वीडियो हो ख़त्म होने जा रही है, बट फ्रेंड्स एक लास्ट मेरा प्रो टिप आप सभी के लिए, और स्पेशल है फ्रेंड्स आप इसको एज अ बिगनर, मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स अगर आप बिगनर हो तो प्लीज़ आप विदाउट नॉलेज, बेसिक नॉलेज के एटलीस्ट स्टॉक मार्केट में एंटर बिल्कुल भी ना करें, ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरी रिक्वेस्ट है। आप इससे पैसा बहुत कुछ बना सकते हैं, अगर कोई कमाता है यहाँ पे, कोई गेन करता है तो यहाँ पे कोई लूज़ भी कर रहा होता है, इसलिए फ्रेंड्स मैं नहीं चाहती कि आप एज अ बिगनर लूज़ करो, ठीक है, अपने कैपिटल को। कैपिटल आप ज़रूर ग्रो करोगे बट आपको बेसिक पता होना चाहिए एटलीस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।